सौ नाजीन आप देख रहे हैं स्पीक साइस सीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का न्यूजीलैंड के लिए हुआ है इंतहाई ब्रिलियंट आगाज। हैट्रिक कर लिया विक्ट्रीज की न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने। कीवीज के कप्तान केल विलियमसन ने किया इंतहाई ब्रिलियंट कमबैक इंटरनेशनल क्रिकेट में। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के लिए 2023 का वर्ल्ड कप अब तक कुछ इतना अच्छा साबित हो नहीं रहा। आज करेंगे इसी सब पर बात। जी हां नाज़रीन, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए आगाज तो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट हुआ है। पहले तीन मैचेस न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम लगातार जीतने में कामयाब हो चुकी है, जहां पहले मैच में अहमदाबाद के मैदान पर उन्होंने डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को हराया। फिर दूसरे मैच में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने एक इंतहाई आसान हरीफ नेदरलैंड्स को धूल चटाई, और अब तीसरे मैच में उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट टीम को भी हरा डाला और इससे तीन विक्ट्रीज हासिल कर लिए। 6 पॉइंट्स हो गए न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का रन रेट भी बहुत अच्छा है और आई थिंक न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनलिस्ट जो 4 टीमें होंगी उनमें शायद अब राह हमवार करने में बहुत हद तक कामयाब हो चुकी है। बिकॉज स्टिल न्यूजीलैंड हैव 6 मैचेस रिमेनिंग और उनके ऑलरेडी 6 पॉइंट्स हो चुके हैं, तो न्यूजीलैंड के लिए बहुत ज़्यादा ब्राइट चांसेस हैं यहाँ से आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए। अगर हम कल के मैच में डिबेट ऑन करने की कोशिश करें तो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के लिए एक बहुत अच्छी हैपनिंग थी कल के मैच में, वो उनके कप्तान केन विलियमसन ने दोबारा टीम को ज्वाइन कर लिया और एज ए लीडर ज्वाइन किया। कप्तानी के फ्राइज उन्होंने सर अंजाम दिए कल के मैच में, क्योंकि केन विलियमसन इस साल जो IPL हुआ था उसके पहले ही मैच में नी इंजरी का शिकार हो गए थे एंड दैट्स वाई वो एक 5-6 महीने के अरसे तक क्रिकेट से दूर रहे। डैट्स वाई वो इंटरनेशनल कमिटमेंट से भी ऑफ रहे। नो डाउट वो वर्ल्ड कप की टीम में उन्हें सिलेक्ट किया गया था, वो टीम के साथ भी आए, लेकिन ये बात थी कि वो इनिशियल मैचेस में भी एक्शन में ना नजर आए, तो डैट्स वाई उन्होंने कुछ इनिशियल मैचेस मिस भी किए। वार्म अप मैचेस उन्होंने खेले लेकिन एक वर्कलोड मैनेज करके केन विलियमसन को खिलाया गया, लेकिन कल केन विलियमसन एक्शन में थे और उन्होंने अपना एक्शन भरपूर अंदाज में शो अप भी किया। लेकिन न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने पहले बॉलिंग कराई और बांग्लादेश ने पहले बैटिंग की, लेकिन बांग्लादेश का आगाज बिल्कुल अच्छा ना हुआ जब उनके बिल्कुल इन फॉर्म बैट्समैन जिनका साल 2023 में 50 से ज़्यादा का एवरेज है लिटन दास, वो पहली गेंद पर ट्रेंट बोल्ट के हाथों मैट हेनरी को कैच दे बैठे। और इस तरह बांग्लादेश क्रिकेट टीम का जो टॉप ऑर्डर का मसला इस वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादा हाईलाइट होकर नजर आ रहा है वो इस मैच में भी चलता रहा। लाइक 56 पर बांग्लादेश क्रिकेट टीम अपनी 4 विकेटें खो चुका था। लोकी फर्गसन ने बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई, उन्होंने टॉप ऑर्डर में से पहले 4 में से 2 आउट उन्होंने किया एंड दैट्स व्हाई ही विन मैन ऑफ द मैच एट लास्ट। लेकिन पॉइंट इज दैट कि बांग्लादेश का जो टॉप ऑर्डर है वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल नजर आ रहा है। लाइक फर्स्ट मैच में आप चले जाएं अफगानिस्तान के अगेंस्ट, 10 ओवर में उनकी 2-3 विकेटें गिरी। लास्ट बांग्लादेश के इंग्लैंड के मैच में देख लें उनका टॉप ऑर्डर 60-65 में उनकी 4-5 विकेटें गिर चुकी थी। इस मैच में भी उनकी 56 पे 4 आउट हो गए। देन जो उनके 2 सीनियर प्लेयर्स हैं मुशफिकुर रहीम एंड शाकिब अल हसन, उन्होंने एक पार्टनरशिप लगाई, अच्छा सीनियोरिटी का रोल अदा किया। मुशफिकुर रहीम ने 66 रन बनाए, शकीब ने भी 40 रन बनाए, काफ़ी अग्रेसिव नज़र आ रहे थे, हेलमेट उतार के खेल रहे थे, लेकिन 40 रन पे वो आउट हो गए। लेकिन पॉइंट इज दैट गेम महमदुल्ला जो कि एक प्रॉपर बैट्समैन है वो नंबर 8 पे क्या करने आए थे, ये कोई समझ नहीं आ रही उनके कम्बिनेशन में कि आपका एक सीनियर प्लेयर एक बैट्समैन जिसको आपने एक फुल बैट्समैन के तौर पर वर्ल्ड कप में सेलेक्ट किया वो इतना नीचे के नंबर पे जाके क्यों खेल रहा है। ये पॉइंट बिल्कुल कोई अल्ले पल्ले नहीं पड़ा कि बांग्लादेश की इसके पीछे क्या हिकमत थी। लेकिन 246 रन बांग्लादेश क्रिकेट टीम बनाने में कामयाब हुई। देखें कल का जो विकेट था, अगर हम बांग्लादेश विकेट शायद सपोर्टिव था ऐसी बात नहीं है, लेकिन बांग्लादेश वहाँ कुछ ज़्यादा ही बुरा खेल गया, ठीक है, उनके टॉप ऑर्डर में ही विकेट गिरना शुरू हो गए, डैट्स वाई वो सिर्फ 246 रन बना सके। लेकिन जब न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी आई तो रचिन रविंद्रा ओपनिंग कर रहे थे, बिकॉज पहले वो नंबर 3 पे खेल रहे थे, लेकिन अब केन विलियमसन नंबर 3 पे आ गए थे तो एज ए रिजल्ट रविंद्रा को प्रमोट किया गया और विल यंग को ड्रॉप कर दिया गया। रविंद्रा फर्स्ट टाइम ODI क्रिकेट में ओपनिंग कर रहे थे बट जल्दी आउट हो गए मुस्तफीजुर रहमान के हाथों। देन कॉनवे और विलियमसन ने अच्छी पार्टनरशिप लगाई, विलियमसन अपने कम बैक मैच में 50 बनाई, लेकिन किस्मत की देवी उनके साथ फिर टकरा गई, उनके हाथ पे बॉल लगा एक थ्रो करते हुए एंड डेट्स वाई अब उनका कहा जा रहा है कि एक्सरे किया जाएगा और रिटायर्ड आउट हो गए वो चले गए। किस्मत क्या पता नहीं केन विलियमसन के साथ खेले, बट डेरन मिचेल भी अच्छा खेले, उन्होंने भी 50+ रन स्कोर किए, 6 चौके 4 छक्के लगाए, बड़ी अच्छी इनिंग्स थी, काफ़ी इन टच नज़र आ रहे हैं। लास्ट मैच में भी उन्होंने अच्छा पैची नॉक खेला था,
न्यूजीलैंड के लिए यार एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनका हर डिपार्टमेंट इस टाइम फॉर्म में नजर आ रहा है। लाइक उनके टॉप ऑर्डर में देख लें वो परफॉर्मेंस है, मिडल ऑर्डर उनका एग्जिस्ट कर रहा है, लोअर ऑर्डर में उनके पास सेंटनर ने जैसा फिनिशेस किए लास्ट मैचेस में, एंड देन उसके बाद उनकी बॉलिंग लाइन बहुत क्लिक कर रही है। तो ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि उन्हें आगे हेल्प आउट कर सकती है। वो इनिशियली 3 मैचेस जीत चुके हैं, नेक्स्ट मैच उनका अफगानिस्तान के अगेंस्ट है, और जिस तरह के अफगानिस्तान के इस टाइम हालात चल रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता अफगानिस्तान न्यूजीलैंड के आगे रिजिस्ट कर पाए। ऑन डे क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, अफगानिस्तान सरप्राइज कर सकता है, बट ऑन बेसिस ऑफ अ ग्राउंड रियलिटीज एंड करंट सिचुएशन अगर हम देखें तो न्यूजीलैंड अगला मैच भी निकाल जाएगा, और अगर अगला मैच न्यूजीलैंड जीत जाता है तो फिर तो मेरा ख्याल है न्यूजीलैंड का आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए सेमीफाइनलिस्ट की जो प्लेस है ना वो कन्फर्म है। ऑन द अदर एंड बांग्लादेश देखें, काफ़ी साल हो गए बांग्लादेश को अब क्रिकेट खेलते हुए, 20-25 साल का अरसा हो गया है, बट वो जो उनकी क्रिकेट खेलने का अंदाज है ना वो शायद बदल नहीं पा रहे। लाइक देखें पाकिस्तान इनिशियल आया तो पाकिस्तान ने जो वर्ल्ड कप जीत लिया, इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया, श्रीलंका अपने टेस्ट स्टेटस मिलने के बाद 15-16 सालों में वो वर्ल्ड कप जीत गए, यानी न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को देख लें जिस तरह उन्होंने एक्सेल किया हुआ है, देन उसके बाद साउथ अफ्रीका अपने पहले ही वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक गया है, लेकिन बांग्लादेश की टीम शायद वो इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाई। वो कुछ पॉलिटिकल मसले देख लें, ये सब कॉन्टिनेंट का मसला, अब इंडिया चले जाएं, पाकिस्तान चले जाएं, श्रीलंका चले जाएं, बांग्लादेश चले जाएं, ये चीज़ें नजर आएंगी। बैक बाइटिंग प्लेयर्स के आपस में क्लैशेस, मुशफिकुर रहीम कप्तान थे तो महमूदुल्ला बाहर थे, शकीबुल हसन कप्तान है तो तमीम इकबाल बाहर हैं, यानी बहुत ज़्यादा आपसी क्लैशेस का क्रिकेट को नुकसान हुआ, और शायद वहाँ का सिस्टम कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर प्रोड्यूस भी नहीं कर पा रहा। कोई ऐसा कहेंगे कोई लाइक मुस्तफिजुर रहमान एक बॉलर ऐसे आए जो आईपीएल तक गए और जिससे उनकी एक धाक बैठ गई थी दुनिया में, लेकिन 50 ओवर क्रिकेट्स में उनका प्रोफेशनलिज्म एंड इफेक्टिवनेस शायद उतनी नज़र नहीं आ रही, लेकिन लेट्स सी अगले मैचेस में क्या करते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा